नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो मित्रों कहना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे प्रिय मित्र, हमारे पूरे देश के प्रिय मित्र ये मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। हाल ही में यूपी में काबा गाने वाली लोक गायिका पर पुलिस इंक्वायरी हो रही है, जिसके तहत बहुत सारे प्रॉब्लम से नेहा पीड़ित है, लोक गायिका नेहा, और उसका परिवार भी बहुत दुखी है, चिंतित है। मैं समझता हूँ कि ये कानूनन सही हो रहा है या गलत हो रहा है ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन दुखी बहुत हूँ, क्योंकि नेहा एक कलाकार है और एक कलाकार होने के नाते मैं समझता हूँ कि कलाकार जनता का प्रतिनिधि होता है। जैसे प्रधानमंत्री साहब हमारे पूरे देश के प्रधान सेवक है, प्रधानमंत्री है, चौकीदार है, मित्र है, खुद ही कहते हैं कि जनता के सामने मेरी कोई औकात नहीं है। खुद ये भी कहते हैं कि मैं जनता के सामने फकीर हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है, आलोचना करनी चाहिए, आलोचना के लिए मैं तैयार हूँ, मोदी जी कहते हैं। सारे उनके स्पीचेस में ये सब चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी, सुनाई पड़ेगी, और जो बहुत अच्छी बात है मोदी जी के मार्फत, और मोदी जी का मैं भक्त भी हूँ और अंधभक्त भी हूँ, प्रशंसक भी हूँ, फैन भी हूँ, और साइमल्टेनियसली योगी जी भी जो है वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं समझता हूँ कि भगवा धारण करके उन्होंने यूपी में एक स्कोर चलाया था, यूपी में एंटी रोमिंग स्कोर, जो लड़कियों को परेशान करने वालों को सज़ा देती है और लड़कियों को परेशान ना करे इसका पूरा ख्याल रखती है। तो तमाम दोनों हमारे विद्वान पीएम और सीएम साहब को मेरा प्रणाम है, और ये रिक्वेस्ट आपसे है, यह आग्रह आपसे, निवेदन आपसे, एक भारत का लोकतांत्रिक नागरिक होने के नाते, आम आदमी होने के नाते, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं संविधान में ये एक जगह रखी गई है कि हम प्रधान सेवक से, हमारे चुने गए किसी भी प्रतिनिधि से प्रश्न कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, क्योंकि भले वो प्रधानमंत्री होने के नाते, सीएम होने के नाते बड़े पोस्ट पे होते हैं, लेकिन वो पोस्ट जनता ने ही उन्हें दी होती है, अपने सुविधाओं के लिए, अपने काम के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने प्रश्न के लिए। तो ऐसे में एक लोक गायिका ने अगर एक मुद्दा अपने गाने के ज़रिए रखा है तो उसके, और ख़ासकर भारत की बेटी ने रखा है और उस मुद्दे पर रखा है जहाँ बेटी या महिला का एक कह सकते हैं कि दुर्घटना जिसमें शामिल हो, कानपुर देहात की प्रमिला जी और नेहा, उनका भी, उनकी बेटी का नाम भी नेहा इत्तफाक से रहा है, उस पर उन्होंने प्रश्न किया नेहा राठौड़ ने, नेहा सिंह राठौड़ ने, और उस प्रश्न के तहत, गाने के तहत, यूपी में काबा के तहत उन पर पुलिस कार्रवाई हो रही है, उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने लोगों की भावनाएं भड़काई हैं, वटोर इट इज, जो भी कानून सही गलत जो भी होगा। देखिए, मैं किसी के पक्ष में या निष्पक्ष में या प्रो में नहीं हूँ, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आप आसमान हैं, योगी जी आप उत्तर प्रदेश की शान हैं, और ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंटी रूमेस कोड, ऐसे सारी चीज़ें जो भारत में और उत्तर भारत में चलती है, मैं समझता हूँ कि एक बेटी ने अगर ये प्रश्न पूछा है, बिहार की बेटी, यूपी की बहू हमारी नेहा सिंह राठौड़, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें समझा जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्हें माफ़ करो, क्योंकि वो मैं कौन होता कहने वाला कि माफ़ करो या कुछ जो भी कहने, क्योंकि भाई आई डोंट नो, या मैं नहीं समझ सकता कि उसमें वो कहना जो चाह रही है उसमें वो क्या है, कहना कोई ना कोई प्रश्न कर रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग, बस ये है कि बेटी की भावनाओं को समझो,
एक लोक गायिका की भावना को समझो, कलाकार को समझो, अकेली वो होती तो शायद इतनी बीमार नहीं पड़ती, अभी वो बीमार है हॉस्पिटल में। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी पुलिस जब उनके घर पे गई तो सराउंडिंगली जो सराउंडिंग जो वातावरण है ससुराल का, पति का नौकरी से जाना, सास बहू, ये सब को देख के, ससुर जी को देख के, हो सकता है उनके चेहरे के टेंशन की वजह से मानसिक तनाव में आ गई हो नेहा, और जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आकर अभी उनका इलाज चल रहा है, वो हॉस्पिटल में है। मैं नेहा को और उसके परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शक्ति दे, और हमारे मोदी जी और योगी जी भी खुद इस चीज़ में सबसे आगे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंटी रूमिस कोड। तो योगी जी प्लीज़ आप इनसे मिलने जाइए, प्रधानमंत्री जी प्लीज़ इस पे दखल लीजिए, आप दोनों अगर इसको इस माहौल को संभालेंगे तो मैं समझता हूँ कि जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि आलोचना होनी चाहिए, प्रश्न होने चाहिए, और क्यों नहीं होने चाहिए, लोकतांत्रिक देश है, लोक हमारा नागरिकों का एक संविधान के तहत सम्मान है, उनका एक अधिकार है कि वो प्रश्न करे, आपको उसका जवाब अपने तरीके से देना भी चाहिए। और तो मैं समझता हूँ कि बाकी उतार चढ़ाव तो आप सभी जानते हैं, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि नेहा के परिवार को इस वक्त योगी जी के सपोर्ट की ज़रूरत है, मोदी जी के सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो प्रश्न उन्होंने उठाया आप उनके शब्द पे ना जाइए। आप ये भी कह सकते हैं कि यूपी में काबा, मतलब काबा भी एक शब्द है, बहुत ही पवित्र शब्द है काबा। हो सकता है कि जैसे रावण ने, राम जी ने कहा था कि रावण को मैंने नहीं मैंने मारा है, वैसे यूपी में काबा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि क्या है, ये भी कह सकते हैं कि यूपी में काबा, ऐसी मेरी सोच है। नेहा की बात से, नेहा की राय से, और योगी जी और मोदी जी इनकी आपस की जो प्रश्नावली है इसको सॉल्व करो। आफ्टर ऑल नेहा हमारे देश की बेटी है, अगर कोई उसने गंभीर प्रश्न किया भी है तो योगी जी प्लीज़ उस प्रश्न का उत्तर देके और उनके परिवार के साथ में रह के सपोर्ट करके आप उनको संभालिएगा, यही निवेदन है। भगवान आप दोनों को, कोकी जी और मोदी जी को स्वस्थ रखें, उनको हमेशा ऐसे ही सशक्त रखें, और उनका आशीर्वाद यूपी और भारत में बना रहे। जय हिंद, जय भारत।